देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ कोरोना का तांडव है। आज भी लोग ऑक्सीजन को लेकर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। लोगों के चीखते बिलखते दम तोड़ती सांसों का मंजर आम है। कहीं इंजेक्शन नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं बेड के लिए मारामारी चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और आप मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या बड़ा फैसला लिया है उसको भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि दिल्ली में कल सुबह 5:30 बजे जो लॉकडाउन एक हफ्ते का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया था वो समाप्त होने वाला था, लेकिन ठीक उसके पहले अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हमने आम जनमानस से बात किया, लोगों से बात किया, लोगों की राय थी कि कोरोना से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों की टूटती हुई उम्मीदों को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली में लॉकडाउन लगाया है और कहा है कि ये लॉकडाउन अगले सप्ताह के सोमवार सुबह 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में भी संक्रमण की दर कम नहीं हो रही है। संक्रमण की जो दर है वो 36 से 37% के बीच है। लेकिन आज उन्होंने बताया, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आज संक्रमण की दर कुछ कम थी, 30% के आसपास केजरीवाल ने बताया है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि मैं ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, कह पाने की स्थिति में भी नहीं हूं कि कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। ईश्वर से सभी की रक्षा के लिए केजरीवाल ने प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी है। केजरीवाल ने फिर एक बार दोहराया कि अभी भी दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ 480 टन ऑक्सीजन मिलने की बात कही गई है। केजरीवाल ने कहा कि आज सुबह 10 टन और ऑक्सीजन बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तक आपूर्ति लगभग 300 से लेकर 335 टन के आसपास ही है। दिल्ली में अभी भी बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत है। केजरीवाल ने दोहराया कि हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन दिल्ली तक कैसे भी करके पहुंचे इसके लिए हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हम ट्रक ड्राइवर को भी फोन कर रहे हैं जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है कि वो कहां तक पहुंचा, सारे लोगों से बातचीत करके ये तय किया जा रहा है कि और सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचे। केजरीवाल ने दोहराया कि हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं और हम ये प्रयास अपना जारी रखेंगे। केजरीवाल ने बताया कि इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें हर प्रत्येक 2 घंटे में सप्लायर से लेकर अस्पताल तक को यह बताना होगा कि गैस की डिलीवरी हो गई है कि नहीं हो गई है। अस्पताल वालों को बताना पड़ेगा कि क्या ऑक्सीजन की मात्रा उनके यहां शेष है ताकि उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। तो एक पोर्टल का भी निर्माण किया गया है, प्रत्येक 2 घंटे में उस पर अपडेट डालनी होगी सभी को। साथ ही केजरीवाल ने केंद्र के सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा है और कहा कि केंद्र के कई नेता और मंत्री लगातार दिल्ली के मंत्रिमंडल से केजरीवाल से संपर्क में हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। आइए देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं आज का केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो, देखते हैं उसमें केजरीवाल क्या कह रहे हैं। कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उन उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान कि संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये
लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हमने हाँ दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। एक हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर दो दो घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को दो दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई, ये सारी चीज़ें, ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिल के काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा।